गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हर सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे दिन की एनर्जी देता है। उसी तरह हर सुबह एक सिंपल पॉजिटिव थॉट से अपने दिन की शुरुआत करना, पूरे दिन आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे मूड में, अच्छे जोन में रहेगी। दिस इज लाइक सोल फूड, सोल ब्रेकफास्ट। सो देखते हैं आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। बचपन में मैं और मेरी बहनें खेला करती थी घर घर। आई थिंक हर एक लड़की ने कभी ना कभी ये खेला होगा। बॉयज़ खेलते थे सुपरमैन बनना, स्पाइडरमैन बनना, पुलिस, चोर, ये सारी चीज़ें हम खेलते थे। पता है हमारे घर के सामने ना कुछ पेड़ थे, बबूल का पेड़ अगर आपको पता हो तो, उसके बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और छुई मुई का पेड़, तो वो सारे पत्ते हम तोड़ते थे और एक कटोरी में लेते थे और हम बोलते थे कि ये हमारा राइस है, हमने आज राइस बनाया है, ग्रीन कलर का राइस है। क्योंकि बच्चों के वर्ल्ड में सब कुछ पॉसिबल है, वही सब्जी होती थी, वही राइस होता था, वही दाल होती थी, सब कुछ वही होता था। और एक दूसरे से बातें करते थे, डायलॉग्स बनाते थे, सिचुएशंस क्रिएट करते थे। और मेरे यहाँ पे, मतलब जहाँ से मैं आती हूँ लातूर से, वहाँ पे मराठी ही वो सिटी है, तो मराठी बहुत बोली जाती है। तो हम एक दूसरे से मराठी बोलते थे, मेरी हम बहनें, कि तुमच्याकडे काय बनवलं जेवायला, तुम तो स्वयंपाक झाला का, मी येऊ का तुमच्याकडे खायला वगैरह। ऐसे हम कितना खो जाते थे ना इन सारे खेलों में बचपन में, हमें कोई होश नहीं रहता था। और कुछ मोमेंट्स के लिए ही सही हम पूरी तरह वो कैरेक्टर्स बन जाते थे, वो सिचुएशन में एंजॉय करते थे। कभी कभार तो मैं मम्मी का दुपट्टा लेके साड़ी भी पहन लेती थी, क्योंकि लेडीज़ साड़ी पहनती है ना, इसीलिए। तो पता है आज का मैसेज क्या है? अब टाइम आ चुका है फिर से यही खेल खेलने का जो हर बच्चे ने अपने बचपन में खेला है, पर इस बार ये गेम हमें अपनी विशेस के साथ खेलना है, अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। बच्चों की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, और ना तो उनके मन में डाउट, डर जैसी कोई फीलिंग्स होती है। वो कम्प्लीटली खो देते हैं अपने आप को उस प्रोसेस में और इन्जॉय करते हैं बस। और खेलना ख़त्म होने के बाद वापस बैक टू रियलिटी, होमवर्क एंड ऑल दैट, जो काम करने वो तो करने ही है। तो उसी तरीके से हम अब अपने विशेस को लेकर ये गेम खेलेंगे कि मैंने तो UPSC क्लियर कर ली है, मेरे ऑलरेडी कितने अच्छे मार्क्स आ गए हैं। हम फ्रेंड्स से डिस्कस करें कि देख तेरे भी अच्छे मार्क्स आए, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए, अब हम एक ऑफिसर बनेंगे, तो जहाँ भी तेरी पोस्टिंग होगी ना, मतलब हम एक दूसरे से मिलने आएंगे। ऐसे सारी डायलॉग्स हम अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं। आई डोंट नो आप बचपन में अकेले में बात करते थे या नहीं, बट मैं तो करती थी, इतनी हद तक कि मेरे माँ बाबा ने सोचा था कि शायद इसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है। बट आई वॉज अलोन चाइल्ड, मतलब मेरे कोई भाई बहन नहीं थे रियल में, कजिन्स थे। तो जब मैं अकेली होती थी मुंबई में, तो मैं अकेले ही बात करती थी। तो वैसे हमें अकेले ही सारे डायलॉग्स क्रिएट करने हैं, या फिर अपने मन में सोचना है, फील करना है, जस्ट लाइक कोई नाट्य रूपांतर हो रहा है हमारी रियल विश का। और इस समय में हमें सारे डाउट्स, डर, नेगेटिविटी को निकाल देना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हम तो गेम खेल रहे हैं, हम तो बस शो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा सोचना है, ठीक है। अब किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को एक हैप्पी रहना है, बस ये सबसे बड़ी इच्छा है आजकल के ज़माने में। कुछ नहीं बनना भाई, हैप्पी बनना है बस। तो वो सोच रहे कि वाह मैं कितनी हैप्पी हूँ। अब एक हैप्पी पर्सन कैसा होता है इमेजिन करिए। जब मैं एक हैप्पी पर्सन को सोचती हूँ, मेरे मन में ये आता है कि वो बालकनी में बैठ के आराम से एक स्माइल के साथ अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रही है, बुक्स के साथ, पति, हस्बैंड, माँ बाप जो भी होंगे वो घर पे आ रहे हैं, वो मतलब प्यार से बात कर रहे हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चे हैं घर में, हंसी खुशी, खेल का माहौल, गार्डन और ग्रीनरी से घर भरा हुआ है, और पता नहीं हर पल चेहरे पे एक माइल्ड स्माइल होगी। तो वो मेरे लिए हैप्पीनेस का एक प्रतीक है। तो आपको जो भी लगता है मन में, जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन है, वो आप सोच सकते हैं और इस छोटी सी गेम को हम अपने मन में एंजॉय कर सकते हैं। अब इस चीज़ को, इस एक्सरसाइज को हमें कम्प्लीटली बचपन की तरह ही करना है, ठीक है। जब हम बचपन में कोई गेम खेलते थे, तो क्या हम कभी भी ये सोचते थे कि पता नहीं ये सब कब सच होगा, मैं तो कितने टाइम से खेलती आ रही हूँ? नहीं, हम बस उस मोमेंट में, उस पल में, प्रेजेंट टेंस में कम्प्लीटली एंजॉय करते थे, राइट। उसी तरीके से हमें अभी प्रेजेंट में कम्प्लीटली एंजॉय करना है।
अब अगर आपके मन में गलती से ये डाउट आ गया हो कि बचपन में जो खेलते थे वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज वो खेल था, और अब हम जो करेंगे वो रियल फीलिंग्स के साथ होगा। उस समय बच्चों को इमोशंस थोड़ी ना पता होती, उन्हें बस हैप्पीनेस पता होती है, ठीक है। तो अभी हम पूरे फीलिंग्स के साथ हर रोज़ इस गेम को, इस छोटे से एक्सरसाइज को दोहराएंगे अपने साथ। आप रोज़ सुबह उठते ही ये चीज़ करना शुरू कर देना, ताकि पूरा दिन आप एक पॉजिटिव और अच्छे मूड में रहो, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, मेरे साथ छोटा सा गेम खेलने के लिए। मन ही मन आपने खेला होगा, आई नो। सो हैव अ वंडरफुल डे, खूब सारा खेलना और एंजॉय करना, ठीक है। बाय।